Hey guys, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। और आज हम करने वाले हैं पार्लियामेंट के वो सभी के सभी फैक्ट्स, वो सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एग्जाम ऑलमोस्ट पास है और ये जो है ये हॉट टॉपिक है, हॉट पोटैटो है इस वक्त का, कि नए पार्लियामेंट जो है कि वो कंप्लीट हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुकी है। तो आप देखिए कि पॉलिटी के अंदर एक नई चीज एक तरह से ऐड हो गई है। और मैंने पहले भी जब पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि हमेशा पॉलिटी में ना बहुत ज्यादा वेरिएशन होने के चांसेस रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी वेरिएशन अभी हुई है। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी जितने भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस कहीं 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 ज्यादा है। तो इसलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए भी हमने आगे हिंदी ट्रांसलेशन दे रखी है। जो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर करेंगे। तो आप एक बारी बस सेशन को स्टार्ट होने दीजिए, आगे हिंदी में भी कंटेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी किसी भी वीडियो को स्किप कीजिए, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। ये देखनी ही देखनी है एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि हमारी करंट पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या नया है, वो सब चीजें हम देखेंगे। दिखने में तो देखिए, पिक्चर से तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये हमारा ओल्ड संसद भवन है, ये सेंट्रल विस्टा है, यानी कि अभी का पार्लियामेंट है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैं मेन डिफरेंसेस की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि किसी को डायरेक्टली बस ये चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है वो देख लिया जाए, तो आपको मैं दो चीजें दिखाता हूं। यहां पे न्यू पार्लियामेंट का लिखा है या ओल्ड का। अब देखिए जो सीट्स है नई लोकसभा में वो 888 है। अब क्यों है, ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ यहां का बता रहा हूं। पुरानी में 550 है, ये पॉलिटी में भी बताया था। ऐसी न्यू राज्यसभा की 384 सीट्स है, यहां पे पुरानी में 250 है, पहले भी बता रखा है पॉलिटी के अंदर। ये अगर टोटल करता हूं तो 1272 बनता है, इनको टोटल करता हूं तो 800 बनता है। अब एरिया की बात करते हैं तो 64,500 स्क्वायर मीटर जो है इसका एरिया है, जबकि यहां पे इससे कम है, 47,500 ही है। वहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट देखी जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 862 करोड़ है, जबकि यहां सिर्फ और सिर्फ 83 लाख रुपीस लगे थे। आप शेप की बात कीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्रेंगुलर शेप है अभी की, पहले क्या थी, सर्कुलर शेप थी। वो हम यहां भी देख सकते हैं कि पहले सर्कुलर शेप का ऐसे संसद भवन था, अब ऐसे ट्रेंगुलर शेप का क्या हो गया, सेंट्रल विस्टा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल हॉल नहीं है, इसके अंदर क्या है, सेंट्रल हॉल नहीं है। एक्चुअली में क्या होता था कि इसके अंदर क्या था कि एक सेंट्रल हॉल था, जिसके अंदर क्या कि अगर टुगेदर दोनों हाउसेस को बुलाना है, ज्वाइंट मीटिंग करनी है, ज्वाइंट सेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हुआ करता था एक सेंट्रल हॉल। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रल हॉल नाम का कुछ नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे क्या बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है। ठीक है, वही मैंने बताया कि न्यू एडिशन क्या है इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। ये आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो आर्किटेक्ट है, जो नए वाले का आर्किटेक्ट है, वो है बिमल पटेल साहब। और जो पुराने वाले के आर्किटेक्ट है, दो आर्किटेक्ट हैं, एक है सर एडविन लुटियंस और दूसरे हैं सर हर्बर्ट बेकर। ये हर्बर्ट बेकर साहब एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है, इन्होंने फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नमूने बना रखे हैं और यहाँ भी बनाए हैं। और जो उस टाइम पे राष्ट्रपति भवन था, उसको भी एडवर्ड लुटियंस साहब ने ही आर्किटेक्ट किया था। अब कंस्ट्रक्शन का टाइम देखा जाए तो इसमें देखिए कि दिसंबर 2020 से लेकर अभी मई 2023 तक के लगभग 2 साल के आसपास का लगा लीजिए, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 2 साल 5 महीने 18 दिन हो गए। ठीक है, और जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए 1921 से 1927 पुराने वाले की, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितना हो गया, 5 साल 11 महीने 6 दिन, लगभग 6 साल ही मान लीजिए इसको, इतना लंबा समय लगा। यहाँ पे देखिए हाइट जो है ना दोनों की सेम रखी गई है, 21-21 मीटर ही रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एंट्रेंसेस जो है 6 हैं और यहाँ पे एंट्रेंसेस जो है गोल वाले में 12 थी पहले वाले में। ठीक है, और फ्लोर इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, बाकी तो ये लगभग पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ, और यहाँ पे डिजाइनर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हसमुख पटेल जो हैं, यहाँ पे देखिए कि डिजाइनर हैं बिमल पटेल साहब और हसमुख पटेल साहब हैं, है ना दोनों। और ये हसमुख पटेल हैं, ये क्या है, ये जो HCP है ना, इसी के हेड हैं, एक तरह से ओनर भी हैं ये। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों हैं मेन, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। अब आइए पूरी की पूरी चीजें देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बन सकते, इसके अंदर ढेरों को सवाल और बन सकते हैं। अगर वो नहीं देखे तो फिर आ गया तो फिर आप बोलेंगे कि भैया वो तो हमें बताया ही नहीं। और मैं एक ऐसी वीडियो ये लेके आया हूं कि जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको पार्लियामेंट की कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कंप्लीट है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ कवर कर दूंगा मैं। आप देखिए कि सेंगोल जो है ना, वो सिंबल है रूल ऑफ धर्मा का। अब ये जो सेंगोल होता था ना, ये चोला किंगडम जो है, चोला एम्पायर था, ये हमने एंशिएंट में पढ़ा हुआ है। तो वहां भी देखिए मेडाइवल चोला, मॉडर्न चोला, कई तरह के चोला हुए है ना। तो ये जो है साउथ के राजा थे एक तरह से, आप समझिए, तो उनके अंदर ये जो प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो ये शुरू में क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ
तो यही जो सेन गोल होता है ना, इसको राजदंड भी बोलते हैं एक तरह से। ये देखिए जैसे वो हाथ में पकड़ के, नहीं यू राजा लोग ऐसे पकड़ के घुमा करते थे, ये वही वाला चीज है, वही डंडा है एक तरह से। तो उस टाइम पे क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया है ना, जवाहरलाल नेहरू ने किससे लिया, माउंटबेटन साहब से लिया। लेकिन उस टाइम पे देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो बाहर फॉरेन से विदेश से पढ़े हुए थे, तो उन्हें भारत के अंदर ऐसी चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने ये कार्यभार किसको संपन्न करने के लिए बोला, राजा जी को बोला, राजगोपालाचारी जी है ना, राजा जी उन्हीं को बोलते थे। तो राजा जी को सारी नॉलेज थी यहाँ की, तो उन्होंने पूरा विधिवत इसके अंदर कई सारे मंत्रोच्चारण वगैरह या बाकी सब चीजें होती है वो सब करवाई। और फिर उनकी देखरेख में क्या हुआ कि माउंटबेटन साहब ने जवाहरलाल नेहरू साहब को ये सिंबॉलिकल पावर, एक तरह से कि पावर ट्रांसफर हो रही है ब्रिटिश से इंडिया के हाथ में, तो वो अपने हाथ में राजदंड को लिया था। अब यहाँ पे भी यही हुआ है कि यहाँ पे मोदी जी ने एक्चुअली इसको पकड़ा है, आप देख सकते हैं सेक्रेड सेंगोल को। और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा कि मोदी जी ने यहाँ पे देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, जबकि खुद ही सारे का सारा उद्घाटन किया। तो आप देखिए कि अगर बुला लेते तो फिर ये सब मोदी जी नहीं कर रहे होते, फिर वो राष्ट्रपति के हाथों से ही करवाना चाहिए था, क्योंकि वही सबसे बड़े हेड हैं। और आप देखिए कि यहाँ तो पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, राज्यसभा, लोकसभा और साथ में प्रेजिडेंट का खुद का हाउस है ना, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब है कि राजा तो वही है, तो फिर उनके हाथ से करवाना पड़ता, तो ये भी एक फैक्टर है ना, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि नहीं भी बुलाया, जो भी आप कहना चाहें। अब इसके अंदर था वर्ड सेंगोल का मतलब क्या है, ये तमिल भाषा के एक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है सेमाई। सेमाई का मतलब होता है राइटियसनेस, ठीक है, यानी कि करेक्ट थिंग है ना, तो राइटियसनेस हो गया एक तरह से, अधिकार हो गया एक तरह से। कि आप देखिए कि वही मैं बोल रहा हूं ना, जैसे कि एक पावर का अधिकार एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, इट इज ए सिविलाइजेशनल प्रैक्टिस। ये चोला किंगडम में एक सिविलाइजेशनल प्रैक्टिस होती थी, एक राजा जब दूसरे को कार्यभार संपन्न करने के लिए देता था तो अपना ये जो राजदंड उसको पकड़ा दिया करता था, ये समझ लीजिए। अब वही चीज जहां भी मैंने लिखी है कि ये चोला एम्पायर का है, पहला हो गया, और ये सेक्रेड सिंबल है, सेक्रेड अथॉरिटी को डिपिक्ट करता है। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर ना नंदी बुल लगाया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि सबसे ऊपर जो ये मूर्ति लगी है किसकी है, तो इसमें नंदी बुल की मूर्ति लगी, जो कि सिंबलाइज क्या कर रही है, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ को सिंबलाइज कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मैंने ये राजा जी वाला फैक्ट आपको बता दिया। दूसरा आप देखिए कि उस टाइम पे क्या था, ये माउंटबेटन साहब ने नेहरू जी को दिया था, ये तो ठीक है, लेकिन इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था एक ज्वेलर ने जो कि मद्रास से था, या डिजाइंड की जगह पे आना चाहिए मेड बाय, मतलब कि बनाया गया था है ना। अगर डिजाइनर की बात करते हैं कि डिजाइन किसने किया गया था, तो उस टाइम की बात वाला सेंगोल की मैं बात कर रहा हूं, अभी के नहीं। तो डिजाइंड बाय उस टाइम पे कौन था, थिरुवा वाधुराई अधीनम, ये नाम याद रखिएगा, थिरुवा वाधुराई अधीनम जो है इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है दोस्त। तो ये एक सीक्रेट सिंबल है एक तरह से, पावर ट्रांसफर का सेंगोल। आगे बढ़ते हैं हम, आप देखिए कि 6 एंट्रेंस है पार्लियामेंट के अंदर। अब हर 6 एंट्रेंस पे ना एक एक फिगराइन लगी हुई है, जैसे कि हम एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ते थे ना कि अलग अलग फिगराइंस मिल रही है धरती के अंदर से, तो यहाँ भी है। मान लो कि आज से 1000 करोड़ साल बाद ये हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, फिर 1000 करोड़ साल के बाद या जो भी 1000 साल के बाद कोई खुदाई करे तो वो देखेगा कि अच्छा उस टाइम पे एक महल हुआ करता था राजा का, जिसके अंदर 6 द्वार हुआ करते थे, तो वो फिगराइंस निकलेंगे नीचे धरती से है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे। आप देखिए ऑस्पिशियस एनिमल है और मिथिकल क्रीचर्स हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया एज ए डोर कीपर, जैसे वो नहीं तो द्वार होते हैं ऐसी कि द्वारों की रक्षा करने के लिए, ये सिंबल्स हैं एक तरह से, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब यहां पे किस किस के मूर्तियां लगाई गई हैं, एक तो गरुड़ की लगाई गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, घोड़े की, हाथी की, ये सब मूर्तियां हैं है ना, गज हो गया, एलिफेंट, अश्व हो गया, हॉर्स, मगर हो गया, क्रोकोडाइल, हंस हो गया, स्वैन, शार्दुल एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है। तो ये जो है 6 मूर्तियां 6 द्वारों पर लगाई गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। और जो मगर और हंस हैं, दे पे रिस्पेक्ट टू वाटर, यहां डॉट लगा लीजिएगा, ये तो है जो है पे रिस्पेक्ट करते हैं पानी को। और शार्दुला और गरुड़ा आर सिंबोलिकल ऑफ स्काई, जो शार्दुला और गरुड़ हैं ये हैं स्काई को रिप्रेजेंट करने वाले, गज और अश्व जो हैं वो धरती को मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और द बिल्डिंग ओपन्स इनटू अ सेंट्रल कोर्टयार्ड विद ए बेनियन ट्री, ये पूछा जा सकता है कि जैसे ही आप देखिए आगे मैं दिखाऊंगा, जैसे ही सेंट्रल विस्टा का गेट खोला जाएगा तो आगे ही आपको क्या दिखाई देगा, एक बेनियन बरगद का ट्री दिखाई देगा, ठीक है दोस्त। सुबह शाम ऑक्सीजन देता है, ये वही ट्री है। आप देखिए कि अब इसके अंदर जो दो चीजें बनाई हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसका भी आप ऐसे मत समझिए कि यूं ही सीटें बना दी, जी नहीं। आप इनका डिजाइन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली लोकसभा दिखाई दे रही है, ये एक मोर की तरह दिखाई दे रही होगी। आप देखिए यहां पर मयूर है, यहां उसके पंख यूं निकले हुए हैं, आप ध्यान से देंगे तो ये मोर के
आकार किया एक तरह से, है ना, तो इसको बोलते हैं पिकॉक थीम्ड लोकसभा। वहीं पे अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो यहां पे देखिए ये बीच की डंडी होगी और ये चारों तरफ फूल बन गया, तो ये क्या हो गया एक तरह से, ये लोटस थीम्ड है राज्यसभा। ठीक है दोस्त, ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ये आप देखिए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी कितने समय में, लगभग आप देखेंगे कि 2.5 साल में बनी है और कितने मजदूर लगे हैं यहाँ पे, 60,000 वर्करों ने काम किया है। ये बिल्कुल वैसा से ये जैसे हम बोलते हैं 20 साल तक ताजमहल बनता रहा, वहाँ 20-25 हज़ार वर्कर काम करते रहे, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो आप देखिए कि ये चीज़ जैसे उनको हम याद किया करते हैं, ये मतलब कि मोदी साहब इस चीज़ में बहुत स्ट्रांग है। ये क्या एक तरह से क्यों बनाई जा रही है ये सब चीज़ें, नहीं इसके पीछे लॉजिकल कारण तो है ही है, लेकिन सबसे बड़े और भी कारण है। बाकी लोगों ने तो इस बारे में शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन मोदी जी ने इस पर ध्यान जरूर दिया कि जैसे हम मुगलों को इतना याद कर रहे होते हैं ना, इतना किताबों में पढ़ रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये बना दिया वो बना दिया। मॉन्यूमेंट्स एक ऐसी चीज है कि अगर कोई राजा बनवा के जाए ना तो आगे तक उस राजा का जो है ना जिक्र किया जाता है किताबों में, हिस्ट्री में, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक काम कर दिया कि हमारा जो अब संसद भवन है किसने बनवाया तो नाम किसका आएगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इन चीजों को। और संसद भवन तो ऐसी चीज है भाई कि वो रेगुलर यूज होना है ये चीज, है ना, तो हर स्कूल में यही पढ़ाया जाएगा मोदी जी ने बनवाया है। तो ऐसे चीजें चलती हैं सारी की सारी। तो एक अच्छा शासक जो होता है ना, जबरदस्त शासक, वो इन चीजों का भी ध्यान रखता है कि उसको कैसे आगे तक लॉन्ग टर्म तक याद रखा जाएगा। तो ये भी चीजें हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेज, अब देखिए इसके अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग सामान मंगवाया गया, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी, है ना, इटालियन लगा दिया या फ्रेंच चीजें लगा दी, ऐसा नहीं किया। इसमें क्या है, सांगवान और टीक की जो लकड़ी है वो महाराष्ट्र से मंगवाई गई है। अलग अलग देखिए, साउथ को भी इंक्लूड किया, नॉर्थ ईस्ट को भी, नॉर्थ को भी, वेस्ट को भी, सबको इंक्लूड किया। आप देखेंगे जरा तो आपको पता लगेगा, ये देखिए थोड़ा साउथ साइड में है। अब देखिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में जाते तो राजस्थान आता है, तो स्टोन वर्क जो है सारे का सारा मार्बल का काम यही है राजस्थान का। कालीन का वर्क है जो, अब देखिए ये उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़े स्टेट भी यही है हमारी। फिर बैम्बू वुड फ्लोरिंग जो की गई है वो त्रिपुरा से की गई है, नॉर्थ ईस्ट को भी कवर कर लिया। अब आप देखिए कि वाइट मार्बल गुजरात से मंगाया गया है, ये भी थोड़ा नॉर्थ या फिर कहें कि सेंट्रल इंडिया को एक तरह से कवर किया गया। फिर स्टील का वर्क जो है दमन एंड दीव से किया गया, यानी यूटी को भी कवर कर लिया गया है। साथ में मैन्युफैक्चर्ड सैंड हरियाणा, तो नॉर्थ को भी कवर किया गया है हरियाणा से, जो इसकी रेत है इसको बनाने में वो हरियाणा से मंगाई गई है। ठीक है दोस्त, तो ये सब चीजें होंगी, इसके फैक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि ये लोकसभा डिजाइन है पीकॉक थ्रोन की, यहाँ पे राज्यसभा है लोटस डिजाइन की, ये बस थोड़ा सा वही बता रखा है। और ये बीच में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया गया है एक, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं चीजों को। इसके अलावा अब मैं आर्किटेक्चर फर्म की बात करता हूं, तो जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो कौन है, HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे बिमल साहब और हसमुख साहब हैं, बिमल पटेल और हसमुख पटेल, उन्होंने इसको मतलब कि आर्किटेक्ट किया एक तरह से, इसका पूरा का पूरा मैप बनाया कि ऐसा ये बनना चाहिए। ये तो हो गए आर्किटेक्ट जिन्होंने एक तरह से मैप बना के पूरा बताया कि ऐसा होना चाहिए। अब दूसरा कि जिसने इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, सिर्फ मैप बनाने वाला खड़ा तो नहीं कर सकता ना, तो जिसने खड़ा किया वो कौन है, मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब देखिए एंड में हम क्वेश्चंस भी सारे के सारे कर लेंगे, अभी बस पढ़ते जाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, अगर आर्किटेक्ट आ जाए तो, अगर वहां दोनों ऑप्शन HCP डिजाइन और टाटा प्रोजेक्ट्स दिया होगा तो आप गलती कर सकते हैं, ये सिली मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आपको आर्किटेक्ट में HCP डिजाइन और मेन कॉन्ट्रैक्टर में टाटा प्रोजेक्ट्स ही लिखना है। The new Indian Parliament is a platinum-rated green building and energy-efficient building. ये बोला जा रहा है कि ये जो है ना, पहले जितनी बिजली फूंकते थे ना संसद भवन में, उससे 30% कम बिजली यहाँ पे फूंकी जाएगी, क्योंकि इसको platinum-rated green building बनाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। अब आगे तो आगे का पता लगेगा। फिर इसको inaugurate किसने किया है, Prime Minister नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने इसको inaugurate कब किया है, डेट याद रखनी है 28 मई 2023 को। जी हाँ, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी दिव्यांग फ्रेंडली। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति भी जाता है, जिससे कि आप देखिए कि सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही हैं, तो उनका भी रिस्पेक्ट रखा जाता है। तो इसीलिए यहां भी ये चीज की गई है कि अगर कोई दिव्यांग भी वहां पे आ रहा है तो ये नहीं है कि वो उस पर चढ़ ही ना पाए, यानी हर तरह की कैटेगरी का ध्यान रखा गया। तो उसके हिसाब से यहां पे पूरी फैसिलिटीज दी गई कि वो व्यक्ति भी यहाँ पे इस जगह पे एक्सेस कर पाए। देयर विल बी 92 रूम्स, तो 92 रूम्स होंगे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा यूज किए जाएंगे। और जो बिल्डिंग है डिजाइन टू हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 150 ईयर्स, यानी कि 150 साल, अगले 150 साल तक ये जो बिल्डिंग है ये अपने चाहे अर्थक्वेक हो, स्टॉर्म्स हो, सबको झेल सकते हैं, इस हिसाब से ये डिजाइन की गई है। अर्थक्वेक के अगेंस्ट भी ये बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, इस तरह से डिजाइंड है। ठीक है, तो 150 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
द न्यू कॉम्प्लेक्स विल हैव ए हेक्सागनल शेप. तो इसके अंदर जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है उसकी शेप क्या रहेगी, हेक्सागन की शेप रहेगी. आपसे देखिए जब सेंट्रल विस्टा की शेप पूछ लिया जाएगा तो वो ट्रायंगुलर है, लेकिन यहां अंदर जो कॉम्प्लेक्स रहेगा उसकी शेप पूछ लिया जाएगा तो आप बोलेंगे कि ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की हेक्सागन रहेगी. द पार्लियामेंट हाउस हैज 3 एंट्रेंसेज. अब देखो यहां पे जो पार्लियामेंट का हाउस है ना उसके 3 एंट्रेंस है. मैंने टोटल की बात की थी 6 एंट्रेंसेज वाली, लेकिन मतलब कि 6 द्वार है, 6 द्वारों की बात की थी, लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सेंट्रल विस्टा के अंदर द पार्लियामेंट हाउस हैज 3 एंट्रेंसेज नेम्ड ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्मा द्वार. तो आप इसमें बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जहां पे 3 एंट्रेंसेज हैं, अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना एंट्रेंसेज, इसका मतलब है कि अंदर आने की एंट्री. और अगर यहां पे टोटल पूछ लिया जाए एंट्रेंस और एग्जिट तो टोटल फिर क्या हो जाएगा, 3 एंट्रेंस है 3 एग्जिट है तो 6 हो जाएंगे, इसलिए वहां पे 6 लिखा हुआ था पीछे. ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में. यहां पे देखिए कि ये पूरा का पूरा आपको दिख भी रहा होगा. तो ये यहां पे अगर मैं ट्रीज की बात करूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना है तो लगभग ये सब चीजें मैंने कवर कर दी हैं. तो 326 नंबर है ट्रीज के न्यू प्लॉट के अंदर और 250 नंबर ट्रीज और इसके अंदर उगाएंगे, यानी कि इसको पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है. और यहाँ पे पूरा का पूरा इसका मैप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन रहेगा, यहाँ सेंट्रल विस्टा रहेगा, यहाँ फिर आगे इंडिया गेट रहेगा. तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इसका प्लॉट है. अब आगे देखते हैं हम कि द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, 2 हाउसेज हैं और एक प्रेसिडेंट हो गए. ठीक है, पार्लियामेंट में क्या हो गए, 2 हाउसेज हो गए, राज्यसभा लोकसभा और तीसरे फिर खुद प्रेसिडेंट साहब हो गए. तो ये किस में आता है, पार्लियामेंट के अंदर ही कंसिस्ट होता है, पेपर में बहुत बार सवाल भी आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए है. और यहां पे देखिए कि लोकसभा में जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द वोटिंग प्रोसेस, तो ये तो डायरेक्टली लोग ही इसमें इलेक्ट करते हैं. और जबकि आप राज्यसभा में देखेंगे जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो यहां पे इसके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज. ये सब पॉलिटी में कवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पॉलिटी का, वहां जाके पढ़ लेना पॉलिटी को. ठीक है दोस्त, द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 5. ये भी पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट का जिक्र हमारे संविधान की किताब के अंदर जो है कहां पे किया हुआ है, तो आप बोलेंगे चैप्टर 2 के अंदर पार्ट 5 में इसका जिक्र किया हुआ है, पूछा जा सकता है. तो ये भी लिख दिया मैंने, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग आर्टिकल 79-122. आर्टिकल कौन कौन से, 79 से लेके 122 आर्टिकल के बीच में पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी, कंपोजिशन होगी, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर क्या होगा, प्रिविलेजेस क्या मिलेंगे, वो सब जो है 79 से 122 नंबर आर्टिकल के बीच में लिखा हुआ है. फिर आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या डिस्क्राइब करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट को डिस्क्राइब करता है. ये भी पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, तो ये आर्टिकल 79 में लिखा है. इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेजिडेंट. यानी कहने का मतलब ये जो हमने पहली लाइन देखी कि ये बना किस किस चीज से, कौन कौन है इसके अंदर सम्मिलित, तो दोनों हाउस, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेजिडेंट, ये जो 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ये कौन से आर्टिकल के तहत है, 79 नंबर आर्टिकल के तहत है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. फिर हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस देख लेते हैं पार्लियामेंट के. तो द पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स ऑन द ऑल द मैटर्स मैंशनड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. आप देखिए कि एक स्टेट लिस्ट होती है तो उसमें तो स्टेट ही सारे का सारा काम करती है, एक यूनियन लिस्ट है और एक होती है कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों कर सकती हैं, और यूनियन तो है ही है इसके बाद. तो ये दोनों लिस्ट में जो जो फंक्शंस लिखे हैं उसको यही करती है परफॉर्म. ठीक है, यानी इंडियन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कैन ऑल्सो पास लॉज ऑन द आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस. देखिए मैंने क्या बोला कि इसमें तो पूरा पूरा अधिकार है इन दोनों लिस्ट में तो इसको, लेकिन स्टेट लिस्ट में भी मैटर्स को उठा के ये कर सकती है, उसके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं. कैसे बनाए जा सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशन है. मान लीजिए कि जिस स्टेट में इमरजेंसी लगी हो पहले ही, तो भाई अगर इमरजेंसी लग रखी है तो वहां पर कोई कानून बनाना है तो वो तो इंडिया की पार्लियामेंट ही बनाएगी ना, सेंटर ही तो बनाएगा, वहां पर स्टेट के पास तो पावर ही खत्म होगी. तो पहला तो कंडीशन ये बनती है आर्टिकल 356 के तहत अगर इमरजेंसी लगी हो, या प्रेसिडेंट रूल जो भी है. तो आर्टिकल 249 के तहत क्या है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द आइटम्स मेंशनड इन द स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स बाय वोटिंग. यानी कि राज्यसभा में वोटिंग करवा लेंगे कि भाई ये स्टेट वाले खुद तो मान नहीं रहे तो हम यहां पर खुद कानून बना देते हैं, तो क्या होगा कि राज्यसभा के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी. और ये स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास होती है, 2/3 मेजोरिटी मतलब स्पेशल मेजोरिटी. आप देखिए 2/3 का मतलब होता है 66% मेजोरिटी, जबकि आप देखिए कि जो नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी होती है वो 50% होती है, हाफ होती है, वो यहां पर 2/3 है. तो स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो गया बिल तो इसका मतलब है कि इनेक्टमेंट किया जा सकता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस के तहत स्टेट लिस्ट के अंदर भी. फिर इसके अलावा एक आर्टिकल 253 है, इट कैन पास लॉज ऑन दिस
ट्रेड लिस्ट इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज विद द फॉरेन पावर। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज है या फिर फॉरेन पावर्स के साथ कोई ट्रीटी साइन करनी है और उसमें ये रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि भैया स्टेट की इस लिस्ट का ये मैटर उठा के हमें करना ही पड़ेगा, कानून बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें इंटरफेयर किया जा सकता है सेंटर के द्वारा आर्टिकल 253 के तहत। फिर आर्टिकल 252 क्या बोलता है, इफ द लेजिस्लेचर ऑफ टू और मोर स्टेट्स पासिस अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट इट इज डिजायरेबल टू हैव ए पार्लियामेंट्री लॉ ऑन द आइटम, यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स इस मुद्दे को उठाती हैं कि भैया हमारे देश की पार्लियामेंट इसके ऊपर एक कानून बना दे, मान लो अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स इस मुद्दे को उठाती हैं, तो उन स्टेट्स में उनकी जो भी वो लिस्ट का मैटर है ना उसको ये लोग मतलब कि उसके ऊपर एक्शन ले सकती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है दोस्त, एक ये भी कंडीशन बनती है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात करता हूं, तो पहला है कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था भारत का 1950 के बाद, तो आप देखिए कि तब पहले इलेक्शन हुए, तो वो जो पहले इलेक्शन हुए हैं वो कौन से साल में हुए, 1951 से 1952 में हुए, एंड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1952। तो पहली जो पार्लियामेंट पिक्चर में आई वो कब आई, अप्रैल 1952 के अंदर आई। पार्लियामेंट सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, उसके अंदर के लोग भी तो पार्लियामेंट ही है एक तरह से। फिर कंपोजिशन में तो मैं बता ही चुका हूं कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है उस टाइम पे फिक्स की गई थी 550, और 2026 तक ये 550 ही रहेगी, 2026 के बाद दोबारा से रीफ्रेम की जा सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जो सेंट्रल विस्टा में रखा गया 888 नंबर रखा गया, हालांकि उसके कुछ और भी कारण है कि अगर ज्वाइंट मीटिंग बुलानी हो तो सीधा सीधा लोकसभा में बुला लेंगे, एक ये भी कारण है, लेकिन आप देखिए कि हो सकता है आगे आने वाले 2026 के बाद आपको देखने को मिले कि भैया इसकी सीट्स और बढ़ा दी गई हैं, तो 550 से भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर कंपोजिशन जो राज्यसभा की पहले हुआ करती थी वो क्या थी, 250, इसको भी अब चेंज कर दिया गया। ये पहले के फैक्ट्स बता रहा हूँ थोड़े से। द करंट स्ट्रेंथ जो है अब अगर अभी क्या बोला जाए तो क्या 550 के 550 लोग हैं लोकसभा में, ऐसा नहीं है। अभी जो है सिर्फ 543 लोग हैं, जिसमें से 530 तो ऐसे हैं जो कि इलेक्ट होके आ रखे हैं, और जो 13 हैं वो यूटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 530 तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 13 जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो करंट स्ट्रेंथ राज्यसभा की अगर मैं बोलूं तो 245 है, वैसे 250 आ सकते हैं इसमें, लेकिन 245 है। तो आप देखिए 229 मेंबर जो है वो स्टेट्स के हैं, 4 मेंबर यूटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 12 जो है वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट साहब। तो यहां पे भी नॉमिनेशन प्रेसिडेंट साहब करते हैं, लोकसभा में भी दो लोगों का, एंग्लो इंडियंस का पहले किया करते थे, लेकिन अभी उसको एससी एसटी के लोगों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां पे दो लोगों को नॉमिनेट प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, अभी ये सीट्स खाली पड़ी है दोनों की दोनों। आगे बढ़ते हैं हम, अब अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि जितने भी पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनको हम एमपी बोल देते हैं या फिर जो एमएलए हैं, ये सब मिलके क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब मैंने पॉलिटी में पढ़ा है, आप वहां पे जाके डिटेल में देखिएगा, यहां तो एक ब्रीफ आइडिया मैं सारी चीजों का दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सीधे सीधे बन सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। फिर राज्यसभा के अंदर क्या है कि ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ 25 साल की एज कम से कम होनी चाहिए है। डिटेल्ड क्राइटेरिया वही अगेन पॉलिटी की वीडियो में आप देखिएगा। राज्यसभा में क्या है कि एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा इंजॉयज ए सेफ टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स, और हर 2 साल के बाद यहाँ पे नए मेंबर्स को ऐड किया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये मैंने डिटेल में, वही मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटी में पढ़ा रखी, अब यहाँ पे उतनी डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरी पॉलिटी ही बन जाएगी फिर। तो यहाँ पे फिक्स रहता है 6 साल का टेन्योर, जबकि लोकसभा में जरूरी नहीं है कि फिक्स हो सकता है कि सरकार गिर जाए, है ना, तो सरकार गिर जाएगी तो फिर रेजोल्यूशन हो जाएगा, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करें कि भैया हमें रेजोल्यूशन कर देना चाहिए, तो वो डिसोल्यूट कर दें, डिसॉल्व कर दें सारी की सारी चीज उसको, लोकसभा को। तो यहां पे वैसे तो फिक्स रहता है 5 साल का, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 साल हो, पहले भी रेजोल्यूशन हो सकता है। फिर इसके अलावा देखिए, मैंने बोला था हिंदी में भी मैं फैक्ट्स डाल दूंगा सारे के सारे, अब नए वाले की देखिए। नए वाले में हमने सारे फैक्ट्स क्या है, न्यू पार्लियामेंट देखो ऊपर, न्यू पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। पार्लियामेंट के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डेडिकेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस टू द नेशन एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट ऑन 10 दिसंबर 2020 को, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा है, और इसके आर्किटेक्ट कौन है, बिमल पटेल साहब है। यही हिंदी में भी लिख दिया, इसको ब्रीफ कर दिया है। फिर ऐसी अगला फैक्ट देखिए कि इसके अंदर 3 डोर्स हैं और तीनों का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार है, और 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। इसके अलावा
देखिए लोकसभा में 888 सीट्स हैं जबकि राज्यसभा में 384 सीट्स हैं। पहले कितनी होती थी आप देखिए, यहाँ 550 थी, यहाँ पे केवल 250 थी। तो अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए पुराने वाला जो था ना आपके पास संसद भवन, उसके अंदर एक अलग से पूरा का पूरा हॉल बना रखा था अगर ज्वाइंट सीटिंग करनी हो राज्यसभा और लोकसभा की। आपको पता है कि अगर दोनों में मतभेद हो गए हैं राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी फाइल को लेकर, तो फिर प्रेजिडेंट साहब दोनों की एक ज्वाइंट सीटिंग करवा सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर जॉइंट सीटिंग करवानी है तो यहाँ पे पहले क्या था, एक ही हॉल था बना हुआ, अलग से प्रॉपर एक हॉल बना हुआ था। एक लोकसभा का हॉल हो गया, एक राज्यसभा का हो गया, एक हो गया जॉइंट सीटिंग का हॉल। लेकिन आप देखिए कि क्या उस हॉल की सच में आवश्यकता है भी है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखिए कि आपको पता है जॉइंट सीटिंग को कौन चलाता है, उसको लोकसभा का ही स्पीकर चलाता है। तो इससे अच्छा आप ऐसा कीजिए कि एक पूरे पूरे जो हॉल है उसी को बड़ा बना दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, लोकसभा के हॉल को ही इतना बड़ा बना दिया, 888 कर दिया, ताकि जो राज्यसभा वाले हैं वो भी यहाँ पे लोकसभा में आके बैठ के जॉइंट सीटिंग करवाई जा सके। यहाँ पे वो जो दूसरा था ना सेंट्रल हॉल जो कि जॉइंट सीटिंग के लिए पहले यूज होता था, उसकी जगह पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बना दिया गया है। ठीक है दोस्त, एक तो ये कारण है 888 सीट्स करने का, और दूसरा मैंने बताया था कि 2026 के बाद हो सकता है दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओके दोस्त, देर इज एनफ स्पेस। पहले क्या होता था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा रश हो जाता था अगर सब लोग आ जाते थे तो। लेकिन अब क्या है कि अब इसको इतना स्पेशियस बनाया गया कि इस कोई सिक्योरिटी ब्रीच भी नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे भसड़ अगर मच जाएगी तो सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अदरवाइज अब यहाँ पे ये मुश्किल है कि सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जॉइंट सीटिंग के लिए 1272 एमपी यहाँ पे बैठ सकते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, एडजर्नमेंट मोशन। मोशंस जो है तीन तरह के इसके अंदर, वो देख लेते हैं, तीन चार तरह के जो भी है पार्लियामेंट के अंदर। एडजर्नमेंट मोशन में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही अप्लाई होता है। इसमें क्या है कि चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है एडजर्नमेंट मोशन का, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट टू एनी रीसेंट इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट, कि कोई बहुत ही अर्जेंट पब्लिक के हित की बात है, कोई ऐसा इशू है, वो एडजर्नमेंट मोशन के अंदर डिपिक्ट किया जाता है। दूसरा होता है सेंश्योर मोशन। ये मोशन क्या है, इट इज मूव्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी। यहां तो देखिए कि जो विनिंग पार्टी है वो कर रही होती है, यहां पे ऑपोजिशन पार्टी करती है, ये पता होना चाहिए। तो सेंश्योर मोशन में क्या है कि ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स इन द हाउस स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और इनको लग रहा है कि भैया ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो उसकी सख्त निंदा कहां पे की जाएगी, सेंश्योर मोशन के अंदर की जाएगी ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा। फिर एक होता है कट मोशन। कट मोशन इज यूज टू अपोज एनी डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फाइनेंशियल बिल के अंदर कोई ऐसी डिमांड लेके आई है कि जो दूसरों को अच्छी नहीं लग रही है, तो बाकी के मेंबर्स क्या करेंगे, एक कट मोशन वहां पे डालेंगे और बोलेंगे कि भैया ये डिमांड हमें बिल्कुल भी कतई अच्छी नहीं लग रही है। फिर मोशन ऑफ थैंक्स होता है। ये पहला सेशन जो होता है ना, आप देखिए कि जब भी कोई जनरल इलेक्शन होंगे तो उसके बाद पहला इलेक्शन पहला सेशन होगा, तो उस पहले सेशन को कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट साहब खुद एड्रेस करते हैं। और ये जो है यूजुअली क्या है कि फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर होता है, तो इसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम, समनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ कि द समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 नंबर आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है। इसमें मैंने बोला ना कि दोनों हाउसेस के बीच में देखिए कि कोई समस्या हो रही है या कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो दोनों को ज्वाइंट भी बुलाया जा सकता है, अलग अलग भी बुलाया जा सकता है। तो वही है कि प्रेसिडेंट साहब के पास इसकी पावर है। फिर एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट होता है कि सस्पेंड्स द वर्क इन ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफिक टाइम विच मे बी आवर्स डेज और वीक। यानी कि आप मान लीजिए कि कोई सिटिंग चल रही है, अभी सेशन चल रहा है, लेकिन वहां पे अब इनको लग रहा है कि भैया सस्पेंड कर देना चाहिए, है ना, इस सेशन को तुरंत ही। अब ये सस्पेंड देखिए कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का भी हो सकता है, और कुछ हफ्तों का, कुछ दिनों का भी हो सकता है। तो यानी कि यहां पे रोक ही दिया गया, एडजर्न कर दिया गया। जबकि दूसरा देखिए प्रेरोगेशन होती है। प्रेरोगेशन क्या है, अनलाइक एडजर्नमेंट प्रेरोगेशन टर्मिनेट्स अ सीटिंग एज वेल एज द सेशन ऑफ द हाउस। यहां पे तो सिर्फ बीच में रोका गया, जहां से रोका गया वहीं से आगे शुरू किया जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है उसको खत्म ही कर दिया गया, भैया अब नया सेशन आएगा तो नई बात करेंगे, हम इसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे। तो यहां पे प्रेरोगेशन में क्या है कि टर्मिनेट कर दिया गया, एडजर्नमेंट और प्रेरोगेशन में समझ आ गया आपको मतलब। फिर क्वोरम क्या होता है, ये वर्ड पूछा जा सकता है आपसे पेपर के अंदर। तो क्वोरम है मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी इन हाउस फॉर कंडक्टिंग ए मीटिंग ऑफ द हाउस, कि हाउस की मीटिंग करनी है लेकिन एक मिनिमम नंबर तो होना चाहिए ना हाउस के अंदर, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वोरम बोलते हैं। ये मैंने पॉलिटी के अंदर डिटेल में बताई हुई है सब चीजें।
क्वेश्चन आंसर का राउंड शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अभी आप देख ही रहे होंगे कि किस लेवल की चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने एनसीईआरटी बेस्ड पूरे का पूरा पेड कोर्स बनाया है, जिसको कि आप लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं वो सब मैं बताता हूं। इसके अंदर खासियत बताता हूं कि क्या ये यूट्यूब से एकदम डिफरेंट बैच है, गारंटेड सिलेक्शन बैच है। आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो आपको एकदम एडिक्शन हो जाएगी, इसकी लत लग जाएगी और बिना मेरे बोले ही आप सेशन को देखते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एक तो वीडियो कोर्स हम दे रहे हैं, साथ में स्टडी मटीरियल दे रहे हैं जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ दे रहे हैं, क्लास नोट्स को आप फोन के अंदर पढ़ सकते हैं, एकदम अट्रैक्टिव क्लास नोट्स हैं, बोर नहीं होगे। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो जितने भी चीजें हैं ये मॉक टेस्ट भी कोई आम मॉक टेस्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा कैटेगराइज्ड है, आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारी ऐप के ऊपर जाके। तो इसमें लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न जितना भी है, आपको पता है एसएससी का एग्जाम अभी टीसीएस करवाती है, तो उसका लेटेस्ट पैटर्न डाल दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिए गए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सब मैंने करवाने की कोशिश की। इसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं, टीयर टू तक का कवर हो जाएगा। अभी हम देखिए हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके, पॉलिटी कर चुके, बायो कर चुके हैं, फिजिक्स कर चुके हैं, केमिस्ट्री अब हमारी चलने वाली है, यानी कि कल या परसों से हम केमिस्ट्री को शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। तो ये लगभग 100 घंटे का हमारा बैच है, इसके अंदर सारा का सारा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक्स और स्टडी मटेरियल के फॉर्म में भी। आप ले कैसे सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, और इस सेशन की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे अपनी ऐप के ऊपर। आप देखिए कि जब आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर पेड सेक्शन आएगा, मैं एक सेकंड देख लेता हूं, यहां पर दिया भी होगा, अच्छा ठीक है। तो पेड सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको देखिएगा ये बहुत सारे कोर्सेज दिखाई दे रहे होंगे, तो आप जो भी इसमें से कोर्स लेना चाहते हैं, फुल ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर आप हमारे सिर्फ वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये सारा डिस्टिंग्विश्ड है, या पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कि मेरा बैच लेना है अभी सिर्फ जीएस का, तो ये 999 का अभी पड़ रहा है, इसकी अभी हम 6 मंथ्स वैलिडिटी दे रहे हैं, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा हम अभी वैलिडिटी अगले वीक से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, तो सबको यानी कि 9 मंथ की इसकी वैलिडिटी मिल जाएगी ताकि आपको भी कोई समस्या ना हो। तो ये अभी हम 70% ऑफ चला रखे हमने, तो 999 में आपको मिल रहा है, और ये क्वालिटी जो है ना और कहीं आपको मिलने भी नहीं वाली है, ये यकीन मानिए इसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोर तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, मजा आएगा आपको, एकदम वेब सीरीज वाली फीलिंग आएगी, इसीलिए मैंने इसको वेब सीरीज वाला जीएस वीडियो कोर्स बोला है। इसके अलावा मास्टर कॉम्बो पीडीएफ कोर्स जो है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ कोर्सेज हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट का बोलिए, जीके का, कंप्यूटर का, मैथ्स का, आपका इंग्लिश का, सब कुछ लेटेस्ट है, रीजनिंग का है ना, सब कुछ है इसके अंदर, प्रैक्टिस मटेरियल, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, इसके अंदर सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ये ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमारी ऐप है जीवी कक्षा ऐप, जिसको भी डाउनलोड करके आप ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे एक फ्री कोर्सेज का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप वहां पे अंदर हमारा जो इसी सेशन का फ्री पीडीएफ है वो भी मैं कल तक डलवा दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आइए इसके ऊपर थोड़े से सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया था हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर इसके पूछे जा सकते हैं। पहला है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इनमें से पार्लियामेंट का कौन सा अभिन्न अंग नहीं है। मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट में क्या होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ये 3 होते हैं। आप देखिए प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो उसने नहीं तो पूछा है। आगे देखिए, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किस आर्टिकल के तहत क्या है जो प्रिविलेजेस दिए गए, इम्यूनिटीज दी गई हैं मेंबर्स को, वो कौन पार्लियामेंट के अंदर, वो कौन से आर्टिकल के तहत दिए गए हैं, तो आप बोलेंगे कि ये दिया गया आर्टिकल 105 के तहत। फिर आप देखिए, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया, सैकड़ों बार मैं पता नहीं कहां कहां पे मैंने ये चीज आपको बता दी है कि जीवी मावलंकर साहब हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर इसका उत्तर हो जाएगा, पहले लोकसभा के स्पीकर यही थे। फिर आगे हम देखते हैं कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो ये भी मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में बता रखा है पहले भी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, तो उन्हीं को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं, किसका, राज्यसभा का, ठीक है दोस्त। फिर पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यानी पार्लियामेंट जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो कौन से आर्टिकल के तहत या कौन सी उसके तहत कर सकती है, मेजोरिटी के तहत, तो आप बोलेंगे कि एक सिंपल मेजोरिटी अगर मेंबर्स दे दें, सिंपल मेजोरिटी होती है 50% की मेजोरिटी, या फिर कहें कि हाफ मेजोरिटी हो जाए, जितने भी लोग हैं उसकी आधी मेजोरिटी हो जाए, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से, है ना। तो यहां पे देखिए कि अगर इनको करना है लैंग्वेजेस में प्रोविजंस चेंज करने हैं तो इनको 50% मेजोरिटी चाहिए होगी, तभी ये कर सकते हैं।
इसके अलावा ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इज चेयर्ड बाय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि दोनों हाउसेस अगर एक साथ आते हैं उनकी ज्वाइंट सीटिंग होती है तो उसको कौन प्रिजाइड करता है, उसमें उस पूरे का पूरा संचालन कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो यहां पे देखिए लोकसभा के स्पीकर का ये स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, राज्यसभा को पहले कौन से ईयर में बनाया गया, सबसे पहली राज्यसभा 1952 के अंदर बनाई गई। ये सब बता के आया हूं अभी। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार किसको है, कौन करता है इसको नॉमिनेट, है ना? तो आप बोलेंगे कि इसको नॉमिनेट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर इसके बाद हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि आप देखिए कि तीन तरह की लिस्ट है, एक आपकी है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट के अंदर अगर कोई पॉइंट नहीं मेंशन है, मान लो कि एक ऐसी चीज आ गई कल को फ्यूचर में कि भैया वो तीनों ही लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं है, तो उसके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार किसको होगा, तो आप ऑब्वियसली आप ये तो कोई भी कॉमन तरीके से बता सकते हैं कि ये पार्लियामेंट का ही अधिकार होगा, सेंटर ही इसके ऊपर सारी के सारा कार्यवाही करेगा। फिर इसके बाद है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ जीरो आवर इन दी लोकसभा। देखिए जीरो आवर क्या होता है, ये यूजली दोपहर 12 बजे से स्टार्ट किया जाता है 12 नून में, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि आपके कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आपने पहले पार्लियामेंट को नहीं खबर कर रखी है, लोकसभा को मान लीजिए पहले आपने लिख के नहीं दे रखा कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, रैंडम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में रैंडमली बात की जा सकती है। इसमें केवल और केवल 30 मिनट का समय मिलता है। और यहां पे देखिए कि यही इसने पूछा है कि कितना मैक्सिमम टाइम मिलता है जीरो आवर में, यही 30 मिनट के समय को जीरो आवर बोला जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे सीधा मौखिक तौर पर रखे जा सकते हैं। तो यानी कि यहां पे पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि लिख के दिया हो कि हाँ हम इस बारे में बात करेंगे, तो ये कितना हो गया 30 मिनट का हो गया। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन, यानी कि आप देखिए कि इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस होती है कि मनी बिल जो होता है ना उसको लोकसभा क्या करती है, पहले पारित करती है, फिर वो क्या करती है राज्यसभा में भेज देती है। अब राज्यसभा अगर मान लो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ही ना करे, दो चीजें, या तो राज्यसभा ऑब्जेक्शन करके वापस से लोकसभा के पास भेज दे, या फिर ये हो सकता है कि वो ऑब्जेक्शन करे ही ना, तो ऐसा कितने दिन का है, मान लीजिए कि राज्यसभा कितने दिन तक उसको कुछ ना लिख के भेजे, तो ये मान लेंगे कि भैया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको, ये टेन्योर है 14 दिन का, ठीक है भाई? तो 14 डेज तक अगर राज्यसभा से कोई जवाब नहीं आता, इसका मतलब है कि ये लोग अपना बिल को पारित कर देंगे कि भैया हो गया फाइनल है ये अब, ठीक है दोस्त? व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन ए लोकसभा, तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि 25 साल होती है और 30 साल किसके अंदर होती है, वो होती है राज्यसभा में, ठीक है? हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर, एक साल में कितने सेशन होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, मैंने बताया भी हुआ है, पेड कोर्स वालों को अगर पता हो तो पेड कोर्स में भी मैंने बता रखा है कि क्या होता है, एक बी होता है, एक एम होता है, एक डब्ल्यू होता है, बीएमडब्ल्यू से मैंने याद करवाया था, ये बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, ये पेड कोर्स में सब बता रखा है मैंने। तो तीन सेशन होते हैं साल भर में। इसके आगे हम देखते हैं हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट, तो कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, किसको अधिकार है ये डिसाइड करने का कि भैया ये मेंबर जो है किसी झगड़े के कारण या किसी डिस्प्यूट के कारण इसको हम डिसक्वालिफाई करते हैं कि ये आज से पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो ये अधिकार हमारी सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है, तो उन्हीं को है, प्रेसिडेंट साहब को ये अधिकार है। और देखिए कोई है सवाल, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, आप देखिए कि जैसे मान लीजिए एक सेशन आज हुआ पार्लियामेंट का, तो अब अगला सेशन मैक्सिमम टाइम में कितना गैप हो सकता है इनके बीच में, आप देखिए कि साल भर में कम से कम दो सेशन होंगे ही होंगे, वैसे तो तीन होते हैं, कम से कम दो होंगे ही होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है, मान लीजिए ये आज हुआ तो अगला सेशन जो है ना, आप देखिए 6 महीने के अंदर अंदर होना ही होना है, आप इससे ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं, तो ये एक सेशन और दो सेशन के बीच में 6 मंथ का ही मैक्सिमम समय हो सकता है, तो वही चीज मैंने बताई, ऑप्शन बी यहां पे 6 मंथ हो गया। हु इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया ऑन 28 मई 2023, तो 28 मई 2023 को जो है इनॉग्रेशन हुआ है नए पार्लियामेंट हाउस का, तो ये किसने किया है, तो आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, भाई इसमें क्या सोचने की क्या बात है। आगे व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो ये जो है अब ध्यान देना दो चीजें हैं, यहां पे देखो क्या हो रही है, इनोग्रेशन हो रही है, ध्यान देना
ये हो रही है इनोग्रेशन, यानी बनके तैयार हो गया, अब फीता कटाई हो रही है। दूसरा क्या होता है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखना। फाउंडेशन स्टोन का मतलब है कि अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी उसका नींव रखी जा रही है, नींव पत्थर रखा जा रहा है। तो ये मोदी साहब ने कब किया था आप समझना, ये 10 दिसंबर 2020 की बात है, जबकि वहां पे अभी जो ये जो लेटेस्ट इनोग्रेशन हुई है ये तो भाई 28 मई 2023 को ही हुई है, जस्ट अभी तो हुई है, इसीलिए तो ये न्यूज में है। तो दोनों अलग चीजें, पेपर के अंदर जो चीज पूछी जाए उसी का उत्तर देना, हो सकता है दोनों डेट्स लिखी हो, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना इस बारे में, ठीक है, याद कर लो। विच कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द डिजाइन फॉर द न्यू पार्लियामेंट ऑफ द हाउस, तो किस कंपनी ने इसका डिजाइन पार्लियामेंट हाउस का बनाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है HCP डिजाइन। अगर यहाँ पे टाटा भी लिखा होता, टाटा कंसल्टेंसी भी लिखा होता, तो आप भैया उसको टाटा प्रोजेक्ट्स को मत मार्क कर देना, क्योंकि ये इसने बोला डिजाइन किसने बनाया, तो टाटा साहब ने डिजाइन नहीं बनाया इसका, उन्होंने तो बिल्डिंग खड़ी की है, डिजाइन किसने बनाया, HCP डिजाइन ने बनाया, ठीक है, बिमल पटेल साहब ने। अब आगे ये देखो, विच कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड, वो तो था डिजाइन किसने किया, ये है कंस्ट्रक्ट किसने किया न्यू पार्लियामेंट हाउस को, तो यहां पे आप बोलेंगे कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। फिर व्हाट इज द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो यहां पे देखिए इसकी जो शेप है ट्रायंगुलर बोली जाएगी, बट आप देखिए कि कई जगह पे इसका जो अगर पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो फिर इसको आप एक तरह से हेक्सागनल बोलेंगे, वो मैं दिखा भी दूंगा अभी कि हेक्सागनल क्यों बोला जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन यूजुअली देखिए अगर पेपर के अंदर आए तो आप ट्रायंगुलर ही मार्क कीजिएगा, शेप जो है हम ट्रायंगुलर ही बोलेंगे, लेकिन हेक्सागनल क्या है कि पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना ऐसे ऐसे करके है, तो वो हेक्सागनल टाइप बन रहा है एक तरह से, इस वजह से बोला जा रहा है, लेकिन ट्रायंगुलर इसका सही उत्तर है। वेयर इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो ये कोई पूछने की बात है, तो नई दिल्ली में ही तो है। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो चीफ आर्किटेक्ट इनके जो है बिमल पटेल साहब है, ये भी मैंने पहले ही बता रखा है आपको। इसके अलावा और सवाल क्या बनते हैं, व्हाट इज placed next to the seat of the parliament, seat of the speaker of the Lok Sabha by the Prime Minister, speaker जो यहाँ पे बैठेंगे उनकी seat के बगल में ही एक चीज रखी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, वो कौन सी चीज रखी गई है, तो भाई ये सेन गोली तो है, वही तो राजदंड है जो जिसको मोदी साहब ने यहाँ पे इनकी सीट के पास ही रखवाया है। अंडर विच प्रोजेक्ट द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, तो इसके बारे में क्या सोचने की जरूरत है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत ही इनको बनाया गया नए संसद भवन को। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है कि नहीं है, मैं वो देख लेता हूँ बस। हाँ, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, अगर पूछा जाए तो लगभग 65,000 square feet है, 64,500 square feet है, वैसे स्क्वायर मीटर है, एग्जैक्ट पूछा जाए, अगर मोटा मोटा रफ आइडिया बोला जाए तो 65,000 आ जाएगा, और देखें कोई है उसमें, ठीक है। तो ये कुल मिला के सारे का सारा हमने किया है पार्लियामेंट सेशन के बारे में, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोशिश की है कुछ अच्छा क्रिएट करने की, यूजुअली मैं ये सारा का सारा कंटेंट मैंने बनाया था पेड कोर्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये देखिए हॉट पोटैटो है, नई चीज़ है तो सबको पता होना चाहिए, इसलिए इसको हमने यूट्यूब पे भी डाल दिया, बट ये हमने बनाया पेड कंटेंट के लिए, तो जो पेड वाले स्टूडेंट है वो यूट्यूब पे देखना चाहे यूट्यूब पे देखें, और या फिर हमारा जो ऐप है ऐप के अंदर देखना चाहे तो ऐप के अंदर देखें। ऐप कौन सी है, एक GV कक्षा नाम की ऐप है दोस्तों, आप टेंशन मत लेना, बस इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसी ऐप के ऊपर इसकी PDF भी मैं डलवा दूंगा, फ्री सेक्शन के अंदर PDF डलवा दूंगा मैं जीवी कक्षा ऐप के अंदर जाके, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, और जितना भी हमारा ऐप का लिंक है, पेड कोर्सेज का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप इसको ले सकते हैं। ओके गाइस।